हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवीर रावत पहाड़ी ब्लॉग। और स्वागत करते हैं उत्तराखंड की इन खूबसूरत हसीन पहाड़ी वादियों से। तो भाई, लगातार की बारिश, दिन भर की बारिश हो रही है। सुबह 9 बजे से बारिश लग गई है और लगातार बारिश हो रही है हमारी शिला चौकी में। और दिन के 2 बजे मौसम एकदम काला हो गया है और बिल्कुल अंधेरा बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखिए तो भाई, क्या होगा, बड़ा डर लगने लगा है क्योंकि सावन का मौसम, दिन रात की बारिश, बड़ा भयंकर सीन रहता है और जोर जोर की आवाजें, तो बहुत डर लगता है ऐसे में। तो बने रहिए ब्लॉग में और दिखाते हैं आपको आगे का हाल। आज सुबह ही से ही मौसम गड़बड़ा गया और 10 11 12 बजे तक जो है ताबड़तोड़ बारिश शुरू हो गई। तो देखिए, बारिश डरा रही है हमको। क्या होगा भाई, क्योंकि बारिश जो है रात, दिन रात की बारिश है, ये बंद ही नहीं हो रही है। ऐसे लग रहा है ये पूरी रात भर रहेगी यार, क्योंकि मौसम साफ होने के कोई आसार नहीं है। भयंकर बारिश लगी हुई है। देखिए 12 बजे, लगभग 12 ही बज रहे हैं और बहुत तेज बारिश हमारे यहाँ पर लगी हुई है। तो बरसात की ये बारिश भाई डरा देती है आदमी को, क्योंकि बहुत तेजी के साथ बारिश हो रही है। देखें मौसम भी कैसे, आसमान गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ कर रहा है और बहुत तेज बारिश लगी हुई है। तो हो सकता है कि नदी नाले फिर उफान पर आ जाएं, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश है। तमाम सड़कों पर पूरा नदियों की तरह पानी बह रहा है सड़क में। वो देखिए सामने, ऐसे लग रहा है सड़क में ही नदी बह रही है, इतना तेज पानी आ रहा है। सामने की पहाड़ी तो दिखाई नहीं दे रही है बारिश से। तो अभी अभी हमारे यहाँ का मौसम देखिए कितना खतरनाक हो गया है। हल्की हल्की हवा चल रही है और उड़ता हुआ बादल देखिए चोटियों पर कैसे दिखाई दे रहा है, एकदम खतरनाक ढंग से। और ये नीचे से भी ऊपर की तरफ बादल उड़ता हुआ है। सामने वाली पहाड़ी पर तो देखिए कितना तेज बादल है भाई साहब, और वो वाली चोटी कैसे दिखाई दे रही है, उसको तो बादल ने पूरा लपेट दिया है, कहीं दिख ही नहीं रही है। तो बहुत तेजी के साथ फिर दोबारा बारिश आने वाली है। तो आज नदी ने अपनी सफाई खुद ही कर दी है। तमाम बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, बियर की बोतलें सब बहा के ले जा रही है अपने साथ। खतरनाक मौसम बना हुआ है और पहाड़ियों पर बादल उड़ता हुआ नजर आ रहा है और तेज तेज बारिश भी हो रही है, काफी तेज के साथ बारिश हो रही है और नदियों का जलस्तर फिर बढ़ने लगा है। तो भाई आज तो बहुत हद हो गई। पहले गर्मी से परेशान थे कि गर्मी है बारिश नहीं हो रही है, और जैसे ही बारिश शुरू होनी हुई तो एकदम डर का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि दिन रात की भयंकर बारिश हो रही है। सामने पहाड़ियों पर भी कोहरा लगा हुआ है, देखिए तेज बारिश हो रही है। तो देखिए इस समय झूला पुल, शिला चौकी, वाटरफॉल, कितने ज्यादा पानी आ रखा है इसमें। ये खाली ये पत्थर दिखाई दे रहा है जो बीच में है ना, और बहुत भयंकर पानी इस समय नदी में। तो ये बरसात की शुरुआत और पहला पानी नदी का जबरदस्त तरीके से बहता हुआ, और अब यहाँ पर नाना खतरे से खाली नहीं है भाई। और सामने जो है बोतलें तैर रही हैं देखिए, लेकिन धीरे धीरे नदी अपनी सफाई खुद ही कर लेगी, इतना पानी यहाँ पर है और काफ़ी ज़्यादा पानी अब नदी में आ गया है। तो जो लोग अब नहाने के लिए आ रहे हैं ना भाई, बड़ी सावधानी के साथ नदियों के किनारे एकदम न जाएं, क्योंकि कभी भी पानी का जलस्तर बढ़ सकता है और आप किसी खतरे में फंस सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी आ रखा है, पहली बारिश और एकदम से ताबड़तोड़ बारिश हुई रात को, और नदी जो है एकदम भर गई है, नदियाँ उफान पर। जहाँ लोग नहाते थे ना पहले, बोलते थे अरे शिला चौकी में तो पानी नहीं है, कहाँ नहाएंगे, वो देखो भाई ऐसा पानी आता है यहाँ पर।
उधर की जो पहाड़ी है वो भी बिल्कुल काली दिखाई दे रही है, उधर भी काले बादल लगे हुए हैं और तेजी के साथ बारिश दोबारा से स्टार्ट हो गई है। तो झूला पुल के ऊपर से नदी का नजारा कुछ ऐसे दिखाई देता है। बहुत ज्यादा पानी है भाई, बहुत ज्यादा पानी। तो भाई देखिए, कुछ समय पहले लोग गर्मी से परेशान थे कि गर्मी है, बारिश नहीं हो रही है, और अब जब बारिश होने शुरू हुई है तो ताबड़तोड़ बारिश हो रही है और काफी डर का माहौल बना हुआ है। पहाड़ों में डर का माहौल एकदम बन जाता है जब दिन रात की बारिश हो, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हो जाता है और ज़्यादा बारिश में पहाड़ खिसकने का डर रहता है, तो इसीलिए हर किसी को दहशत रहती है। और नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ने लगा है अब, और बारिश आज बहुत तेज़ी के साथ हो रही है और दिन में ही बिल्कुल अंधेरा सा छा गया है, तो पूरा डर का माहौल बन गया। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए व्लॉग में और दिखाते रहेंगे आगे की वीडियो में आपको कि आगे आगे क्या होता है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए मेरे दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि नदियों के किनारे अब न जाएं, क्योंकि नदियों का जलस्तर कभी भी बढ़ जाता है, क्योंकि अचानक से पहाड़ों में बारिश होती है और नदियों का जलस्तर तुरंत बढ़ जाता है, तो खतरा मोल न लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।